हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तवा मसाला। आज की हमारी रेसिपी है कॉर्न कोफ्ता करी। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ। आप मेरी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और उसे शेयर करना मत भूलिए। तो हमारी आज की रेसिपी के लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लें। ऑयल, पानी, बेसन, हरा धनिया, टोमेटो प्यूरी, हल्दी, लाल मिर्च, अमेरिकन मकाई हाफ क्रश की हुई, सौंफ, गरम मसाला, कुकिंग सोडा, राई और नमक। अब हम सबसे पहले कोफ्ता बनाने जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मकाई को एक बर्तन में लेंगे। में थोड़ा बेसन ऐड करेंगे। लाल मिर्च लेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे, थोड़ा सा नमक लेंगे, कुकिंग सोडा लेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। थोड़ी सी सौंफ लेंगे। अभी हम कोफ्ता का बैटर प्रिपेयर कर रहे हैं। मकाई में पानी का भाग आता है तो हम पहले से पानी नहीं डालेंगे, जरूरत पड़ने पर उसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे पूरी तरह से इसे मिक्स करना है। अब हम ऐसे इसके पकोड़े बनाएंगे। इसे पूरी तरह से डीप फ्राई करना है। थोड़ी देर इन कोफ्तों को पकने देंगे। अब हमारा ये कोफ्ता बनके रेडी है। उसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम सब्जी के लिए ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा तेल लेंगे। उसमें थोड़ा सा राई डालेंगे। अभी तेल को पूरी तरह से गर्म होने दें।
ये हमारा तड़का रेडी है। अब इसमें हम टोमेटो प्यूरी ऐड करते हैं। अब इसमें मसाला डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। अब इन सारी चीजों को पूरी तरह से मिक्स कर ले और उसके बाद इसे 5 मिनट तक उबलने दे। अब उसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, अब इसे थोड़ी देर पकने दें। तो ये हमारी ग्रेवी रेडी है, अब इसे हम सर्व करेंगे। ऐसे पकोड़े रख दें और उसके ऊपर हम ऐसे ग्रेवी डालेंगे। ऊपर से इसमें चीज स्प्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी आज की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी कॉर्न कोफ्ता करी रेडी है। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें और मेरी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।